आलिया तुमने ये सब कुछ किया कैसे? I mean, खुद का इल्जाम तुमने पूर्वी पे लगा दिया। ओह माय गॉड, ये आइडिया कब आया और कैसे? तनु, जितनी लड़की ज्यादा खूबसूरत होती है ना, उतना ही ज्यादा उसमें दिमाग होता है। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि खूबसूरत लड़कियों में दिमाग नहीं होता। मुझे तो पहले से ही शक हो गया था बुलबुल। I had an idea कि उसे मुझ पर शक हो गया और वो कभी भी किसी भी वक्त मुझे एक्सपोज कर सकती है। You know, वो कॉर्पोरेटर वैसे भी एक ना एक दिन तो पकड़े जाना ही था, और फिर जब भाई घर पे वापस आते तो वो बुलबुल जरूर मुझे फंसाती और मुझ पर उंगली उठाती। तो उससे पहले ही मैंने अपना डिफेंस तैयार कर लिया और एक ऐसे टारगेट को ढूंढा जो सबसे वीक और स्टूपिड, और पूर्वी से बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता ना। और जानते हो, उस दिन हम जब दोनों बुलबुल के घर गए थे, तब मैंने ये सब कुछ वहां पर प्लान किया। बाकी सब कहां है, नजर नहीं आ रहे। गुरुद्वारा गए और जीजू के लिए मन्नत मांगे। Can you please get me a glass of water? And if you don't mind, can I use your washroom? Yeah. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। पता नहीं कब तक खोजी कुत्ता बन के भटकता रहना पड़ेगा। ना खाने का ठिकाना है, ना सोने का ठिकाना। ये भाई की तो फैमिली है नहीं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपुन की तो फैमिली है। पता नहीं किस हाल में होंगे वो लोग, अपुन के बारे में बहुत सोचते होंगे। मन तो करता है कि भाग जाओ यहाँ से। कौन है तू और इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा है? पकड़ो। भागता क्यों है? कुछ नहीं किया साहब, मैंने किसी की किडनैपिंग नहीं की साहब। किडनैपिंग? अरे मैंने तो किडनैपिंग का नाम भी नहीं लिया और तूने सफाई पेश करनी शुरू कर दी। बोल अभी, और प्रज्ञा कहाँ है? बोल जल्दी। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम है। शिंदे वही सर, ऐसे नहीं मानेगा, इसको कमिश्नर साहब के पास लेके चलते। वहाँ जब थर्ड डिग्री मिलेगी ना तो अपने आप उगल देगा। चलो ले चलो इसे। चल, चल। मुझे छोड़ दो साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। किसी की तस्सी, किसी को भगना, भगने किसी को। पुलिस वाले तो बाद में, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, मार दूंगा सबको। एक बार ध्यान से सुनो, पुलिस वाले यहाँ पे आ गए, कभी भी हम तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले कि वो हमारे तक पहुंचे, हमें अभी और प्रज्ञा की लाश ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी की बुरी नजर हमारे घर को लग गई। देखना, एक के बाद एक मुसीबतें आई चली जाती। अभी अभी और प्रज्ञा की जो मुसीबत है वो खत्म नहीं हुई। अभी वो बच्ची जो हमारी गोद में पल कर पड़ी हुई, वो ऐसा कुछ कर देगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, माँ आप कुछ कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं बोलती हो ना तो मुझे डर लगने लगता है। प्लीज प्लीज कुछ बोलो माँ। मैं क्या बोलू बुलबुल, तू बता मैं क्या बोलू। मैं किसका दुख बनाऊं? प्रज्ञा जो इतने दिनों से किडनैप है, उसका कुछ पता नहीं है, जो घर से चली है, या फिर पूर्वी का जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया। हमारी अपनी बच्ची जाकर भी नहीं रोक पाई मैं उसे। तुझे पता है प्रज्ञा शादी के बाद विदा हो गई थी, और तू घर में नहीं रहती थी ना, तो एक पूर्वी थी जो मेरा ध्यान रखती, मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। उसे हमने घर से बाहर निकाल दिया। ठीक कहती है, हमारे घर को किसी की नजर लग गई है, हमारा घर बिखर गया है। नहीं माँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं हूँ ना आपके पास। तू है ना, इसलिए तो मैं जिंदा हूँ, वरना प्रज्ञा की किताब और पूर्वी के घर से निकलने के बाद मैं जिंदा कहाँ बचूंगी? प्लीज माँ,
ऐसा मत सोच रहे। दादी तुम सही कहती है, जब दुख हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तब समझ लीजिए कि सुख बहुत ही जल्द आने वाले। अरे आप सब चुपचाप क्यों बैठे, थक गए हो? लो मैं चाय बना के लाई हूँ, चाय पीते ही आप लोग की सारी थकन दूर हो जानी है। और बीजी मैं आपकी चाय बना के नहीं लाई हूँ, आपका कफ सिरप का टाइम हो गया है ना, मैं आपको चाय पिला दूंगी ना तो आप कहेंगे कि मैंने जानबूझ के आपको चाय पिलाई है। जानकी और तू किस मिट्टी की बनी है, इतना कुछ हो गया और तू ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बीजी मैं सब जानती हूँ, लेकिन मुझे रब पर पूरा भरोसा है, मेरा दिल कहता है कि अभी और प्रज्ञा जरूर वापस आएंगे। ओ, मैं अभी और प्रज्ञा की नहीं, पूर्वी की बात कर रही हूँ। पूर्वी? कौन पूर्वी? मैं किसी पूर्वी को नहीं जानती। अरे आप लोग चाय पी लो, नहीं तो ठंडी हो जानी है। अगर ठंडी होगी तो मुझे दोबारा गर्म करनी पड़ेगी, और फिर मुझे अभी खाना भी बनाना है। अब तो सारा काम मुझे अकेली करना है ना। पूरा हाउ कुड यू डू दिस? मेरी अभी कमिश्नर से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि ये टीवी, मीडिया, रेडियो, न्यूज़पेपर सब जगह तुमने खबर दी। हाउ कुड यू डू दिस? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अरे अब तुम ही बताओ मैं और करता क्या? मे बी इसके नाम के लालच में कोई कोई हमें क्लू ही दे दे। अगर उन किडनैपर्स को इस बारे में पता चल गया ना, क्या तो आई एम श्योर कि पता चल भी चुका होगा, तो भाई और भी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। प्रॉब्लम तो पहले भी थी, कम से कम ये स्टेप लेने से उनके मिलने के चांसेस तो बढ़ गए। आलिया किडनैपर्स बुलबुल को चाहते, अभी और प्रज्ञा दी की तो उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं की, कैसी बातें कर रहे हो? और अगर किडनैपर्स ने कुछ करने की कोशिश की भी तो अब ये जानते हैं वो कि उनके सिवाय पूरा शहर इस बारे में जानता है, तो उनको कुछ करने से पहले वो 100 बार सोचे। लेकिन तुम इनाफ आल, मैं यहाँ पे दिन रात एक करके कुछ कर रहा हूँ कि किसी तरह अभी और प्रगति मिल जाए, और तुम उल्टा अप्रिशिएट करने के बजाय मुझे सुना रही। मुझे तो लगता है कि तुम चाहती नहीं वो वापस आए। नहीं नहीं पूरा मेरा मतलब ऐसा नहीं था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नो मैं डर गई थी। एंड आई जस्ट वांट भाई टू बी सेफ। पूरा आई एम रियली सॉरी मैंने तुमसे ऐसे बात की। यू नो आई डिडंट मीन दैट। ओके टेक केयर। पूरा तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक्स। मुझे फोन किसने किया था? मैंने किया था। तू है? चल बता कहाँ है अभी, कहाँ है अभी और प्रज्ञाति? बोल कहाँ छुपा के रखा उन दोनों को? ये तो अब उनको कहाँ भी ले गया। तू जानता नहीं ये रॉकस्टार अभी का घर है और ये उनका पूरा परिवार है। लेकिन तूने तो कहा था। उससे बात मत कर, उससे बात कर। बता कहाँ है अभी, बोल कहाँ है अभी? देखो साहब अपन कुछ नहीं मालूम, ये आदमी अपन को यहाँ पे बेवकूफ बना के लेकर आया। अपन को नहीं मालूम अभी किधर है। तुझे नहीं मालूम तो किसको मालूम है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताती बनना इतना मानूंगा ना कि जिंदगी भर जाएगा। बोल। देखो साहब अभी इतना बड़ा रॉकस्टार है, अपन का जैसा आदमी उसको कैसे मिल सकता है? साहब अब मार क्यों रहे? आखिरी बार पूछ रहा हूँ बता का है अभी। ये ऐसे नहीं माने, लेट मी हैंडल इट। मैंने बोला ना आप नहीं मालूम। चुपचाप बता दे भाई का, हम सब लोग बहुत टेंशन में और बहुत गुस्से में भी है। तुझे आइडिया नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता। चुपचाप बता दे, बोल। देखो साहब आप अपन को ऐसे मार नहीं सकते, आपको नहीं मालूम अपन क्या कर सकता है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।